अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में सेंट जोसेफ स्कूल के नजदीक रेलवे ढाला के पास मोटरसाइकिल से आए हुए दो अपराधियों ने अपने ग्रुप के वर्चस्व के लिए दहशत पैदा करने के लिए प्रशासन के ही एक व्यक्ति पर फायरिंग कर घायल कर दिया। पिछले 10 दिनों से महाराजगंज में लगातार हो रही गोलीबारी में प्रशासन के ऊपर गोली चलाना सुशासन के गाल पर करारा तमाचा है। हालांकि घायल व्यक्ति उस समय सिविल ड्रेस में था, लेकिन नीचे आर्मी टाइप का पैजामा पहने हुए था। भगवानपुर थाने में स्थित अनिल सिंह को बाएं कंधे में गोली लगी है, जो हड्डियों के बीच में फंस जाने के कारण गोली नहीं निकला और सिवान सदर अस्पताल को रेफर किया गया। यंग ब्लड के ये दो अपराधी जिस बाइक से आए थे वो बाइक के छपरा के बेबी कुमारी के नाम से दर्ज है। हालांकि बाइक के चेचिस नंबर के अनुसार नंबर प्लेट भी दूसरी गाड़ी का है। बाजीगर की रेस की तरह कमर में पिस्टल लेकर चलने वाले ऐसे युवाओं की तादाद को अगर प्रशासन सही मायने में जांच करे तो लगभग दर्जनों गिरफ्तारी प्रतिदिन संभव है। सूत्र बताते हैं कि महाराजगंज के अनुमंडल मुख्यालय में चल रहे कोचिंग सेंटर और हाई स्कूल तथा कॉलेज से संबंधित छात्र जितने ही शौक से बाइक और मोबाइल रखते हैं, उतने ही शौक से पिस्टल भी रखते हैं। शस्त्र रखने का शौक ऐसा है कि कुछ युवा ग्रुप में पैसा मिलाकर पिस्टल खरीदते हैं। मौकाए वारदात पर शांत प्रवृत्ति के गंभीर रहने वाले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ लगभग गोरिया कोठी, बसंतपुर, दरौंधा, महाराजगंज थाने की प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई देने लगी, जबकि महाराजगंज थाने के दिलीप शाह गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया जासूसी का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी एक्सपर्ट माने जाते हैं। घायल अनिल सिंह आरा के स्वर्गीय विष्णु सिंह के पुत्र हैं, जो महाराजगंज में SDPO के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। महाराजगंज से हमारे संवाददाता राजेश कसेरा की रिपोर्ट।